हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आज की नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे एक न्यू पैटर्न के बारे में, जिसमें हम स्टार और नंबर दोनों पेंट करके बाद के देखेंगे। आज तक आपने स्टार पेंट करे हुए देखे थे या फिर नंबर पेंट देखे थे? आज हम दोनों को एक साथ प्रिंट करवा के देखेंगे। ओके, आज के प्रोग्राम के अंदर देखते रहिए और समझते रहिए। अगर समझ में ना आए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर। ये देखिए, सबसे पहले इसमें हमारे आती है हेडर फाइल, हेजिंग ग्रुप डोटेज, हेजिंग ग्रुप कोनो डोटेज। ये दोनों हमारे हेडर फाइल है। फिर बॉडी में हमारा मेन फंक्शन, जहाँ हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। फिर हमने इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करें, इंट एन आई जे स्पेस काउंट इज इक्वल्स टू वन, वन से स्टार्ट हो रहा है, नम इज इक्वल्स टू जीरो, स्टार इक्वल्स टू एट, एट स्टार प्रिंट होंगे। काउंट का इसलिए मैंने आपको बताया था, जिससे इस प्रोग्राम को आप इजीली समझ सकते हो कि काउंट में क्या हो रहा होगा, जिससे हमारे नंबर बढ़ रहे होंगे। ओके, इसके एन एफ में परसेंटेज डी उसके एड्रेस लोकेट कर दिया हमने एन का, स्पेस इज इक्वल्स टू एन, स्पेस में क्या वैल्यू दी, जहाँ पर स्पेस देना होगा वहाँ पर वो एन। ओके, फॉर लूप यूज़ किया, फॉर लूप में सबसे पहले इनिशियलाइज करा आई इक्वल्स टू वन, आई जो अगर छोटा होगा और इक्वल होगा एन के तो इंक्रीमेंट कर देगा। फिर दूसरा फॉर लूप यूज़ किया है कि जे इज इक्वल्स टू वन, अगर इसके इक्वल रहता है तो जे छोटा होगा, इक्वल होगा स्टार, इक्वल होगा स्टार के और जे प्लस प्लस। ओके, वो जे इंक्रीमेंट करता रहेगा। और उसमें हमने इफ़ में इफ़ की कंडीशन दे दिया साथ में कि आई प्लस जे जो जब छोटे होंगे तो स्टार प्लस जे से, तो वो क्या प्रिंट करवा देंगे, स्टार प्रिंट करवा देंगे। नहीं तो नंबर क्या होगा, नंबर प्लस मतलब इंक्रीमेंट हो जाएगा नंबर का। ओके, फोर लूप में क्या उसके बाद क्या कंडीशन दी, जे इज इक्वल्स टू वन, अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स होती तो ये वाली कंडीशन चालू हो जाएगी, फोर जे इज इक्वल्स टू वन, जे अगर छोटा होगा और इक्वल होगा आई के तो जे प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट हो जाएगा। और फिर वो प्रिंट करवा देगा परसेंटेज डी और हमारा नंबर प्रिंट करवा देगा। और इफ़ अगर उसमें आई जो है छोटा होगा वन से तो, और काउंट को काउंट काउंट अगर छोटा होगा आई से तो फिर वो प्रिंट करवा देगा स्टार। ये नंबर के बाद की कंडीशन है कि नंबर प्रिंट करवाने के बाद जो स्टार प्रिंट करवाएगा वो प्रिंट एफ स्टार प्रिंट करवा देगा और काउंट हमारा नंबर बढ़ जाएगा। ओके, फिर देखिए, फिर फोर में कंडीशन हमने दी जे इज इक्वल्स टू वन, जे की कंडीशन दे दी वन और जे छोटा होगा और इक्वल होगा स्टार को और जे प्लस प्लस मैंने जे इंक्रीमेंट होता रहेगा। इफ़ में कंडीशन दे दी आई प्लस एन जो अगर छोटा होगा जे प्लस एन से तो वो क्या प्रिंट करवा देगा स्टार, नहीं तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, स्पेस दे देगा, काउंट इज इक्वल्स टू वन, वो इंक्रीमेंट होता रहेगा काउंट। ओके, लास्ट में गैसियस कंसोलिडेशन को होल्ड रखवाने के लिए। ओके, हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें इनपुट किया सेवन, सेवन तक इसने स्टार और नंबर इसने प्रिंट करवा दिए। इसी तरीके से आप भी इसे प्रिंट करवा के देख सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।